ओके तो गाइस लेट मी एक्सप्लेन व्हाट्स हैपन। मुझे बचपन से ही लॉन्ग हेयर बहुत ज्यादा पसंद है, मतलब ऐसे नहीं है कि बहुत ही ज्यादा बड़े छपरियों वाले, नहीं नॉर्मल थोड़े लॉन्ग हेयर मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि मुझे छोटे बाल इतना कुछ खास पसंद नहीं है। तो मेरे हेयर जो हैं वो काफी कर्ली हैं, तो मैंने ऐसे सोचा कि यार रैंडमली कि चलो इस बार अपने बालों को स्ट्रेट करा के देखते हैं, कुछ नया ट्राई करा के देखते हैं, अपनी हेयर स्टाइल को चेंज करके देखते हैं। तो लाइफ में पहली बार मैं अपने बालों पर कोई केमिकल लगवाने जा रहा हूँ, तो लेट्स सी कैसा होता है। लोग सबसे पहला स्टेप जो होता है कहीं पे भी, आप हेयर स्ट्रेट कराओ, हेयर कैरेटीन कराओ, हेयर कलर कराओ, या कोई भी ऐसा मतलब केमिकल ट्रीटमेंट अपने बालों में करवाओ, तो सबसे पहले आपके हेयर को वॉश करते हैं। द रीजन इज कई दफा आप लोग ऑयल लगा के रखते हैं या कहीं बाहर से आते हैं, तो धूल मट्टी और खासकर कर्ली हेयर्स में तो कुछ ज्यादा ही होती है, जिनके बाल कर्ली है वो अच्छे से जानते हैं, तो इस वजह से वो आपके हेयर को प्रॉपरली वॉश करते हैं और उसमें शैम्पू करते हैं, क्योंकि अगर वो कोई केमिकल अप्लाई करें तो उसका जो रिजल्ट है वो 100% आए, इसलिए ये एक स्टेप होता है, आपका हेयर वॉश करना जरूरी होता है। एंड हेयर वॉश के बाद जो सेकेंड स्टेप है वो है आपके गीले बालों को सुखाना, यानी कि उनको ड्राई करना। कुछ पेन किलर्स के बारे में जान लेते हैं जो हमारे दर्द में बहुत ज्यादा हेल्पफुल इफेक्ट देती है और बहुत ज्यादा काम करती है। तो अगर आप आपके बालों में क्रीम लगाई जाती है ताकि आपके बाल जो है वो स्मूथ हो जाएं, सिल्की हो जाएं, और ये डिपेंड करता है कि आपके हेयर की लेंथ कितनी है, उस हिसाब से क्रीम की क्वांटिटी डिसाइड होती है, और आपके बालों में कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है ये भी डिपेंड करता है आपके हेयर की लेंथ पर। अगर आपके बाल छोटे हैं तो जल्दी क्रीम अप्लाई कर दी जाएगी और टाइम कम लगेगा, पर अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं, देखे जैसे कि मेरे बाल काफ़ी बड़े हैं, तो मुझे कम से कम मोर देन 40 मिनट्स लगा था, क्योंकि हेयर लॉन्ग होते हैं तो टाइम लगता है, और लगभग आधा घंटा मोर देन 30 मिनट्स कह लो वेट करने के बाद जब क्रीम ठीक से अप्लाई हो गई, उन लोगों ने मेरे हेयर को फिर से वॉश किया ताकि नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ हम बढ़ सकें। पर हाँ यार, इसके बाद जब ड्रायर चलाया जाता है वो बहुत ही इरिटेटिंग होता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करता, हद से ज़्यादा कान में दर्द होने लगता है। एंड फिर थोड़ी देर वेट करने के बाद हेयर स्ट्रेटनिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। वो धीरे धीरे मशीन से मेरे बालों को एक एक हेयर को, यानी कि थोड़ा लेयर पकड़ के वो उसे सीधा करते हैं। हाँ, इस बीच एक चीज़ का खतरा रहता है, अगर आपके हेयर बहुत ही ज़्यादा घने नहीं हैं और वो पकड़ते हैं तो वो डर होता है कि आपकी स्किन पे कहीं वो मशीन ना छू जाए। मुझे भी 2-3 बार चटके लगे थे मेरे कान के पास खास करके, क्योंकि जो उधर के बाल थे वो इतने बड़े थे नहीं और वो काफ़ी टफ हो रहा था स्ट्रेट करना। तो भाई साहब आप बचा के चले। काफ़ी ज़्यादा वक्त लगा था मेरे बालों को स्ट्रेट करने में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बड़े थे, और जब ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ तो फिर उन लोगों ने मेरे बालों पे किसी तरीके का कोई कंडीशनर लगाया जिससे मेरे जो हेयर हैं वो शाइनिंग हो जाए और चमक आ जाए उनमें, और कुछ लगभग 1 घंटा मैं उस कंडीशनर को लगा के बैठा था, और जब वो ठीक से अप्लाई हो गया देन अगेन उन लोगों ने मेरे हेयर को वॉश दिया, और धुलने के बाद फिर से वो इरिटेटिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ हेयर ड्रायर का। ये हमारे आफ्ताब भाई आज पेरिसियल टेसर 2 में स्ट्रेट कराने आए थे खागा से, उनको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला। ये पेरिसियल टेसर 2 लल्लू मियां कोठी
पनी मोहल्ला छिया सुत्ता के बगल में फतेहपुर में है, वर्मा चौरासी करीब में, फतेहपुर पड़ती है, खागा से स्टेट करवाने आए हमारे यहाँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, बाय बाय, एंड डो नॉट फॉरगेट टू विजिट पेरिस सैलून, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं, और गाइज डो नॉट फॉरगेट टू विजिट खागा फार्मेसी.com।